ढोकाने वाटरफॉल तो हम लोग पहले भी गए हैं, मैं गया हूँ, मैंने ब्लॉग बनाया। तो आज हमारी ना लंबी राइड होने वाली है, मतलब अभी तक क्या था, हम सारी जो राइड करते थे वो लोकल में करते थे, तो आज 120 किलोमीटर की राइड है। लवेश को मैंने बताया नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 120 किलोमीटर जा रहे हैं। और आज हम खाने वाले हैं बाल मिठाई भी खाएंगे, और आज हमारे ना दर्शन भी हो गए नीम करौली बाबा के, क्योंकि 15 तारीख को हम लोग जा नहीं पाए थे। तो हमारा भी प्लान ये बन रहा था कि हम लोग चाय के लिए रुके थे, इन दोनों ने मैगी ऑर्डर करी है कि मैगी खा के जाएंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं यार, हम लोग मैगी नहीं खाते क्योंकि हम लोग दर्शन करेंगे उसके बाद खाएंगे। तो आज हमारा प्लान है जागेश्वर जाने का, तो अभी जागेश्वर के लिए निकले हैं। और यार काफी टाइम बाद जैकेट निकाली स्पीति वैली वाली राइड के बाद ना, आज मैं जैकेट निकाली और पैड्स वैड्स निकाले। सुबह 4 बजे निकले थे, मैं 4 बजे उठे थे, तो निकलने में अप्रॉक्स हमें लग गया था 5:30 बज गया था। थोड़ा सा हम कैसी धाम पे रुके थे और फिर वहाँ पे कुछ खाने वाने का मिला नहीं, तो हम लोग ने कहा चाय पीते हैं फिर यहाँ आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बहुत ना रास्ता भी ख़राब है मुझे जहाँ तक डाउट है, गर्म पानी के बाद अल्मोड़ा तो जो जाते हैं ना बीच में, बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है, धूल वूल ज़्यादा है। तो देखो फिलहाल जैसा भी होगा वहाँ जाके पता चलेगा। यहाँ से भैया से हमने मैगी ऑर्डर कर रखी है, तो मैगी आ जाएगी यार, तुम लोग वेट करो। दोनों ने मैगी ऑर्डर करी है। तो मौसम तो बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है, बादल खुले हैं। हम सुबह ना पता है रात को क्या करा ना इसने, मुझे वेदर फोरकास्ट भेज रहा है कि भाई देख ले बारिश तो नहीं होने वाली, और सुबह देखा ना मैंने वो पूरा शिफ्ट हो गया है। ऊपर से हम लोग आ रहे थे ना, अभी हम लोग गर्म पानी से आ गए हैं, तो हमें एक ना ऊपर से बड़ी बढ़िया प्लेस मिली। तो आज हमारा टाइम भी है मतलब एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब बढ़िया लग रहा था, पता नहीं क्यों बढ़िया लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है ना भाई ऊपर से ज़्यादा बढ़िया लग रहा था दिखने में। तो हम लोग यहाँ पर से ऊपर से उतरे, ये रोड है मेन। अरे भाई देखो ये है वो लोकेशन, ये मतलब पत्थरों पत्थरों के उससे काफ़ी अच्छा शेड्स लग रहा है यार इसमें, और पानी भी ना ऊपर से एकदम और क्लियर लग रहा था, नीचे से फिर भी बहुत बढ़िया है लेकिन ऊपर से और क्लियर लग रहा था। इधर पे गए थे, यहाँ पर बढ़िया सी लोकेशन है फोटो वोटो क्लिक करने के लिए। अब यहाँ से आगे को जाते हैं, देर भी हो रही है लेकिन ये है ना, हम लोग थोड़ा बहुत एंजॉय करते हुए जा रहे हैं जिससे आराम आराम से पहुँचे। आज आपको थोड़ा बहुत ना नॉइस में फ़र्क मिलेगा, मतलब क्या है ना वॉइस में, क्योंकि थोड़ा सा क्या है ना मेरा माइक एडाप्टर और माइक मैंने किसी को दिया था तो वो अभी तक मिला नहीं है, और आज हमें जाना पड़ गया जागेश्वर। तो कोई नहीं, फिलहाल मैनेज करते हैं। भाई कपड़े तो गंदे हो ही रहे हैं, धूल वूल ज्यादा हो रही थी भाई, लेकिन यार ये व्यू भाई बहुत तगड़ा है यार, पहाड़ों में आने का यही मजा है कि इतना प्यारा व्यू देखने को मिलता है। देखो भाई यहाँ खेत कितने, आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्या बोल रहा है। तो अभी फिलहाल हम लोग ना बहुत देर से बाइक चला रहे थे, और फिलहाल हमने लिया है बम ब्रेक, तो थोड़ी देर में लवेश को समझ नहीं आया बम ब्रेक है क्या। लवेश के बम में कुछ नहीं हुआ, तेरे इसके बम स्ट्रांग है भाई, ऐसा है ना इसके बैकरेस्ट नहीं है इसमें, उस वाले में बैकरेस्ट है। तो मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है उसमें, मतलब उसमें क्या हो रहा है ना, इससे ना बम में ना चांद बन गया है, देखो ऐसे वाला ये ऐसे करके। रमेश गाना क्या था वो, पहाड़ों में भी ट्रैफिक हो रहा है। देखो यहाँ फंस गए हैं यहाँ पे ना, ये गाड़ी, ये भैया ने गाड़ी गलत लगा दी और उधर से भी गाड़ी फंस गई है, ये दोनों आगे फंसे पड़े हैं। यार पहाड़ों पे ऐसा होना नहीं चाहिए, ट्रैफिक इतना होना नहीं चाहिए। देखो पूरा रुका पड़ा है सारा पीछे तक सब, अरे निकल गया वाह। ए पीछे पीछे लवेश, इतनी जल्दी कहाँ को हो रही भाई तेरे को, इंडिकेटर टूट जाएगा।
ये जो नीचे रास्ता जा रहा है ये ब्रह्मकुंड को जा रहा है, अभी हम लोग सीधे यहाँ से नीचे जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं ऊपर उधर पे दो बुलेट दिख रहे हैं, हम लोगों ने गाड़ी उधर पे पार्क करी है और यहाँ से नीचे आए। फिलहाल यहाँ पे हाथ मुंह धो रहे हैं क्योंकि हाथ बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं, मुंह भी धो लेते हैं, फिर मंदिर जो है इधर नहीं उसके पार है तो उधर को जाएंगे। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ब्रह्मकुंड। पैदल ही जाऊंगा मैं इसको उतार के। अरे यार पाँव मेरे चरण पादुका के जो थोड़ी देर ऐसे रखो ना जैसे किसी के पाँव में दर्द वर्द हो रहा होगा ना, वो इजीली ठीक हो जाएगा। ये देखो अब हम लोग ले रहे हैं प्रसाद और ये बोलिए चार ले लो, ये शिवांगी की भी जॉब लग गई ना तो ये सोच रही चारों अलग अलग ले। ये शिवांगी जो है वो ये रास्ता, जूते इधर रखना है भाई, जूते सामने सामने। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम पे और भाई देखो आज तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी है, लाइन भी है क्योंकि संडे है ना, तो हम लोग लाइन में फिट हो जाते हैं क्योंकि शिल्पी और शिवांगी आगे लगे हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग, आप लोग ने देखा होगा अंदर गए थे जागेश्वर जहाँ पर मंदिर जहाँ पर शिवलिंग है और अभी थोड़ा सा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पंडित जी से थोड़ा सा यहाँ के बारे में डिटेल आप लोग को थोड़ा बहुत बता पाएं। जागेश्वर मंदिर है, जागृत रूप होने से इनका नाम जागेश्वर पड़ा है। जागेश्वर जो पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक हैं, 8वें स्थान के हैं, अर्धनारेश्वर रूप है इनका, शिव और पार्वती का रूप है। तो इस धाम में 125 मंदिर हैं जिसमें 108 मंदिर भोलेनाथ जी के हैं, 70 मंदिर अन्य देवी देवताओं के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रुद्राभिषेक होता है, पार्थिक पूजा होती है, महामृत्युंजय जाप होता है, नौ ग्रहों की पूजा होती है, काल सर्प दोष की पूजा होती है, पितृ दोष की पूजा होती है, अनेक प्रकार की पूजा यहाँ होती है। ये महाराज जी जैसे मंदिर के अंदर जोत है ना, हाँ वो जोत कहते हैं, एक कुमाऊँनी गाता है जी कि वो जोत पहले सिर के सामने था वह दीपक, अब वो नाभि में आ गया है, चरणों में आ जाएगा तो वो प्रलय काल आ जाएगा कहते हैं, कलयुग का अंत हो जाएगा। ये दंत कथा है, हाँ प्रमाण कुछ नहीं है, दंत कथा है, प्रमाण कुछ नहीं है, कहीं लोहे का पीतल का थोड़ी आता है नीचे, लोग कहते हैं। हाँ तो इस प्रकार से यहाँ पर सावन में एक महीने का मेला होता है, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन के लिए पार्थिव पूजा करते हैं। लिंग पूजा की शुरुआत जागेश्वर धाम से हुई है, सबसे पहले जो भी पार्थिव पूजा करवाते हैं वो यहाँ से पार्थिव पूजा उठाते हैं, उसके बाद अपने घरों में कर सकते हैं जी, उठाने के लिए यही आना पड़ता है क्योंकि ये कहते हैं कि लिंग पूजा की शुरुआत जागेश्वर से हुई है, जागृत रूप होने से इनका नाम जागेश्वर पड़ा है। और नागेश्वर भी कहते हैं इनको, भगवान शंकर के गले में हमेशा नाग देवता विराजमान रहते हैं। और यागेश्वर भी कहते हैं, पुरातन काल से यहाँ पर यज्ञ होते हैं, यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भी पूजा की है, पांडवों ने पूजा की है, लव कुश ने हवन किया है,
रावण ने यहाँ पर पूजा की है, कुंभकर्ण ने यहाँ पर पूजा की है, उतना पुराना मंदिर है। सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण, जिसकी कहीं नहीं होती उसकी जागेश्वर धाम में मनोकामना होती है। ठीक है महाराज, महिलाएं यहाँ पर रात भर सारी रात पूरी रात हाथ में दीपक लेके खड़ी रहती है संतान प्राप्ति के लिए, हाथ में दीपक जला के। सावन चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के दिन विशेष पर्व होता है, तो भोलेनाथ उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जय भोलेनाथ। कुष्ठी माता, पार्वती माता, इसके पीछे पार्वती मंदिर। जैसे हम गेट से एंटर होते हैं ना, तो सबसे पहले ये मंदिर पड़ता है। सबसे पहले जागेश्वर मंदिर में जाते हैं, ये जागेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग में। उसके बाद हनुमान जी के दर्शन होते हैं, हनुमान जी के दर्शन, फिर नीलकंठ, सूर्य, नवग्रह, माता पार्वती, फिर महामृत्युंजय। ये महामृत्युंजय का। उसके बाद इधर को घूमते फिर बाबा केदारनाथ जी का मंदिर है पीछे, इसके पर बड़े पेड़ है। हाँ, फिर केदारनाथ मंदिर है। वो जो अलग से रास्ता गया उसका, हाँ, मंदिर आ गया ना, इतना सेक्सी सा व्यू आ रहा है ना। रवेश चले, सॉरी सेक्सी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देखो पीछे वाला जो है ना गांव कितना प्यारा लग रहा है कि भाई बहुत सही नहीं आ रहा है इधर पे यार। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रुक के मुझे टाइम लैप्स लेना चाहिए। और ये सारे स्मॉल स्मॉल सारे छोटे जो मंदिर हैं वो इधर पे हैं, तब तक हम लेते रहेंगे। का हर हर शंभू। मंदिर आ गया ना, इतना सेक्सी सा व्यू आ रहा है ना। रवेश चले, सॉरी सेक्सी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देखो पीछे वाला जो है ना गांव कितना प्यारा लग रहा है कि भाई बहुत सही नहीं आ रहा है इधर पे यार। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रुक के मुझे टाइम लैप्स लेना चाहिए। और ये सारे स्मॉल स्मॉल सारे छोटे जो मंदिर हैं वो इधर पे हैं, जब तक हो जाएगी तब तक हम लेते रहेंगे। का हर हर शंभू। भाई क्या हुआ, तुम लोग को ढूंढते इतनी देर हो गई ना हम लोगों को, यार क्या हुआ? मैगी भी खाई और उसके बाद भी तेरे प्राण निकल रहे हैं यार यहाँ पे। क्या हुआ, हालत खराब हो गई थी क्या इसकी? हुआ क्या? अरे भाई चलो दर्शन वर्शन तो तुम्हारे हो गए ना प्रॉपर मैगी खाने के बाद। देख भाई साहब चिप्स खा रही है यार, शर्म नहीं आ रही इसको। भाई चलो चलते हैं यार। फूड प्रोवाइड करो, चलो ना रास्ते में खाएंगे ना फिर। चलो अब मंदिर से सामान लिया है, प्रसाद लिया है तुम लोग? मंदिर से लिया ही, भैया से प्रसाद। भाई बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन हो गए और थोड़ा बहुत मंदिर के बारे में डिटेल भी पता चल गया। और अभी क्या है ना, यहाँ पे फूडी उत्तराखंड के प्राण निकल चुके हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब यहाँ से निकलते हैं आगे को। फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, अनफॉलो कर दो जल्दी से, क्योंकि वो तो अब मजाक कर रहे हैं यार, ऐसा कुछ नहीं कहना है। लेकिन यार जागेश्वर आए, मतलब पहले हमारा ना प्लान हो रहा था कटरमल मंदिर के लिए, सूर्य कटरमल, लेकिन फिर फाइनली हमने इधर का डिसाइड करा और आ गए। और यहाँ पे ना भाई अब बहुत ज्यादा ठंडा भी हो रहा है, और क्या है ना, और वेदर भी इतना ज्यादा प्यारा हो रहा है ना, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो कितना सही हो रहा है भाई, बादल यार। अब फिलहाल बाइक यहाँ से लेते हैं और कुछ खाना भी, यार भूख लग रही है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह कुछ खाया नहीं था, तो प्रॉपर यहाँ से कुछ खा के निकलते हैं। और कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे तो हम लोग शायद 6-7 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो सुबह से कुछ खाया नहीं था और मंदिर से दर्शन भी हो गए, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर गाड़ी खड़ी करी है। और पहाड़ों में फूड वैन, भाई बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आ गया है। जो ये फूड वैन थी प्यारी सी, और लोकेशन भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। एक ना यहाँ पे यूनिक चीज़ क्या है, पहले तो हमने नींबू पानी करा, ये यूनिक नहीं है, एक बढ़िया सी प्लेस है ना जहाँ पे भैया ने रेस्ट करने का बना रखा है। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे यार, देखो ये पत्थर ऐसे रखे हैं और इसमें चटाई लगाई है, और मस्त इसके अंदर सो जाओ। सो के दिखाता हूँ आपको फर्स्ट क्लास। क्या लोकेशन है भाई, यहाँ से नज़ारा अलग है भाई, यहाँ से नज़ारा अलग है। ये लोग इधर भी बैठे भाई, बम में इतना ज़्यादा दर्द हो गया ना, दर्द होने का रीज़न ये था कि जो गर्म पानी है ना, गर्म पानी से आगे पूरा रूट इतना ज़्यादा ख़राब था, उबड़ खाबड़। तो भाई हालत ख़राब हो गई हमारे बमों की। तो फिलहाल अभी पहुँच चुके हैं, और होप आप लोगों को ब्लॉग बढ़िया लगा हो, और अभी तक अपने ब्लॉग पूरा एंड तक देखा होगा तो आप लोगों को पूरा मंदिर के दर्शन भी हो गए होंगे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कैसा आप लोगों को लगा। तो आज के लिए बस इतना ही।